फास्ट न्यूज हर समय आपके साथ, मैं हूं ज्ञान कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबर जौनपुर से है। चाइल्ड अब्यूज कार्यक्रम आशुतोष शर्मा दिशा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी जौनपुर धर्मापुर में मालती देवी शिक्षा संस्थान विद्यालय में आयोजित किया गया। बता दें आपको, यह कार्यक्रम आइंदा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सुमित स्वामी जी द्वारा निर्देश और सहयोग के जरिए यह कार्यक्रम संपूर्ण भारत में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में दिशा संस्था का नेतृत्व आशुतोष शर्मा जी द्वारा किया गया। उन्होंने विद्यालय के प्रांगण में सभी बच्चों को चाइल्ड अब्यूज के बारे में बताया कि वह किस तरीके से अपनी सुरक्षा करें, समाज में निर्भीक रहें, डट कर मुकाबला करें। देखिए यह एक रिपोर्ट। सर, अपना और अपने जो यह संस्था का अभी बच्चों को बताए हैं, इसका परिचय दीजिए। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा। सब सर्वप्रथम हम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामना बधाई देना चाहेंगे। अपनी आज़ादी को देखा जाए तो दर पदर दिन पे दिन बीतते चले जा रहे हैं, लेकिन देश में जो विकास की गति है वो धीमी पड़ी हुई है। कारण क्या है? कोरोना वायरस या तमाम सारी ऐसी समस्याएँ आ गई हैं। फिलहाल ये एक अलग इशू हो गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा ज्ञानेंद्र जी कि हमारी जो संस्था है दिशा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, जो समाज के हितों के लिए काम करती है, और ये आज का समय का जो ये कार्यक्रम है, आज जो कार्यक्रम संचालित किया गया आपके यहाँ, जो कार्यक्रम आज चलाया जा रहा है, वो आईना ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से चलाया जा रहा है। और संस्था का उद्देश्य यही रहा है कि बच्चों को जागरूक करना, बच्चों को निर्भीक बनाना, और इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम सारी बातें बताई जा रही है। सर, अच्छा, ये जो संस्था है कितने जिलों में चलता है आपका? जिलों का तात्पर्य आप गैरन जी बता सकते हैं कि ये पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है संस्था हमारी। इसके रजिस्ट्रेशन कब होता है? रजिस्ट्रेशन तो आप बनारस में करवा सकते हैं, चिट फंड सोसाइटी ऑफिस से होता है। लेकिन ये है कि अगर एक रजिस्टर्ड संस्था है तो सरकार के उपक्रम में होती है और किसी तरीके की कोई गतिविधि रोकी नहीं जाती सरकार के द्वारा। आप एक रजिस्टर्ड जब होते हैं तो खुले तरीके से काम करते हैं और बेहतर करते हैं बिना किसी रुकावट के। जो आज यहाँ पे आपका यहाँ प्रोग्राम था, तो आप प्रोग्राम में बच्चों को जो भी मोटिवेट किए, तो आपको क्या लगा? बिल्कुल लगा, बच्चों ने बड़े ध्यान से हमारी बातों को सुना। और हमेशा से ही आईना ऑर्गेनाइजेशन का ये उद्देश्य रहा है कि बच्चों को ही नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण भारत के जितने भी नागरिक हैं सब शिक्षित रहें और सब जागरूक रहें। और इस कार्यक्रम को लेकर के इसलिए देखिए, पहली सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चाइल्ड अब्यूज़ का कार्यक्रम है, ये इसलिए चलाया जा रहा है कि बच्चों में बाल शोषण का जो है बहुत ही ज़्यादा रेटिंग बढ़ रही है। आज शिक्षित तो हो रहा है समाज, लेकिन सांस्कृतिकता से दूर होता जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि बच्चों का जो परिवेश है, वो परिवेश जो है उनके सांस्कृतिकता से दूर होता चला जा रहा है। उनके अंदर जो हम देते हैं उनको बचपन से ही देश के प्रति रीति रिवाज, अपने समाज गांव के प्रति रीति रिवाज, उन सबसे कोशों दूर होता चला जा रहा है। तो संस्कार जो होता है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये संस्था बच्चों में संस्कार भी डालने का प्रयास कर रही है और कोशिश ये कर रही है कि ये संस्था जो भी कार्य करे वो बच्चों के हित के लिए करें और समाज के हित के लिए करें। तो सर, जो बच्चों का आप करवाते हैं ये जी, बच्चों को बताते हैं, तो किस हिसाब से बच्चों को बताते हैं? क्या कोई फॉर्म? बिल्कुल। एक्चुअली एक डाटा हम लेते हैं बच्चों से कि ताकि हमको ये पता चल सके कि हमारे प्रोग्राम में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। जैसे कि आज हमने 100 बच्चों का कार्यक्रम करवाया, वो बड़े ही अच्छे तरीके से थे। हालांकि 26 जनवरी का ये जो महापर्व था, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया मालदी देवी शिक्षण संस्थान में, तो प्रबंधक जी से मेरी पहले ही बात हो गई थी, तो आए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में बच्चे थे, लेकिन महज 100 बच्चों का ही करवाना था एक दिन में, तो 100 बच्चों का ही हमने करवाया। तो ये क्रमबद्ध तरीके से होगा, पूरे 3 महीने का कार्यक्रम है, ये चलता रहेगा, आगे भी हम इस कार्यक्रम को करते रहेंगे और ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सर, मैं हरेंद्र कुमार यादव मालती देवी शिक्षा संस्थान का टीचर हूँ, मैथ का टीचर हूँ, और आज 26 जनवरी था गणतंत्र दिवस। अपने पूरे इंडिया में 72वां गणतंत्र दिवस
बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बच्चे मनाए सब। और ये एक ऐसा त्यौहार है, देखिए एकता अनेकता में एकता का माहौल पैदा करना। जैसा सर अभी जो ये सर ने बताया, आशुतोष सर ने, चाइल्ड एब्यूज के बारे में जो बच्चियों का साथ हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर जी ने बहुत अच्छा बात बताया है, जो है जागरूक काम करने, जागरूक का काम करने का बहुत अच्छा काम किया इन्होंने आके। और जो है कि मैं इनको बहुत बहुत जो है धन्यवाद बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे संस्था में आए और बच्चों को अच्छी बात बताए। जो है ऐसे हमारा ये है, हमारे मैनेजर की तरफ से जो है ये रहेगा कि ये आते रहेंगे, बच्चों को ऐसी अच्छी बातें बताते रहेंगे और ये ज़रूरी होना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रिया मौर्य। किस स्कूल में पढ़ती है? मालती देवी शिक्षा संस्था। अच्छा, जो आज ये अभी आपको आशुतोष सर ने बताया चाइल्ड एब्यूज के बारे में, आपको क्या लगा, आपको क्या मिला इसे से? सर ने बताया कि अगर हमको कोई गलत तरीके से छुए और अगर कोचिंग जाते वक्त, स्कूल जाते वक्त अगर हमको कोई परेशान कर रहा है तो हमको 1098 पे कॉल करना है और जो हमारी समस्या है उसको बताना है, तो फिर उसके हिसाब से हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। और जिस तरीके से सर ने बताया कि अगर हमारे घर कोई आ रहा है, हम उसको नहीं जान रहे हैं या उसको हम जान मतलब हम नहीं पहचान रहे हैं, तो हम उससे अच्छे तरीके से बात करें लेकिन घर के अंदर रह के बात करें और मतलब उसके इतना क्लोज ना जाए कि वो हमारे साथ कुछ गलत कर सके। चलो बेटा बताओ तुम्हारा क्या नाम है? अंजलि शर्मा। किस क्लास में पढ़ती हो? 10th में। अच्छा आप ये बताइए जो चाइल्ड एजुकेशन के बारे में, ये चाइल्ड एब्यूज के बारे में बताया गया, आपको कैसा लगा, क्या नॉलेज मिला, क्या शिक्षा मिला इससे? सर ये नॉलेज मिला कि हम मतलब किसी से इतना लगाव ना रखें और जो हम जिसे हम पहचानते नहीं हैं उससे दूरी बनाए रखें। 1098 पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कॉल करें। कौन सा नंबर है फिर से बताइए? 1098। 1098। हाँ बेटा बताओ तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम चांदनी यादव है। किस क्लास में पढ़ती हो? 10th। आज क्या शिक्षा मिला आपको इस बारे में? आज ये हमें मतलब ज्ञान सीखने को मिला कि सर मतलब जो भी बताए कि अगर जिनसे हमारा मतलब लगाव, जिनसे हमारा कोई रिलेशन ना है, हमें मतलब उनके ज़्यादा क्लोज नहीं जाना चाहिए। और अगर कोई हमारे घर के मतलब घर पे आता है, अगर वो हमारे घर का नहीं है तो हमें उसे। और सर ने यह बताया कि मतलब इससे हमें ज़्यादा मतलब फैसिलिटी मिल सकती है। ज्ञानन जी बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ मिल करके बात करके, और ये इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं और तमाम सारी सीख मिली। आज ये वैलेंटर्स जो हैं ये देश को बताना चाहते हैं, पूरे समाज को बताना चाहते हैं कि हम लड़कियां किसी भी कीमत पे किसी से कम नहीं हैं, हर जगह है, पूरे ब्रह्मांड में है, क्योंकि हमारी माँ जगत जननी जगदम्बा सब इन्हीं का स्वरूप है। चाइल्ड अब्यूज़ का प्रोग्राम जो करवाया जा रहा है दिशा एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा, यह आईना ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से करवाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ मूल उद्देश्य इसका यही है कि बच्चों को जागरूक किया जाए, कोई समस्या होती है तो 1098 पे कॉल करें और बाल शोषण के विरुद्ध जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उन सभी कार्यक्रमों का संचालन जौनपुर जनपद में दिशा एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी कर रही है आईना ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। तो एक बार फिर से हम सभी आप सभी जनपदवासियों को दिशा एजुकेशन की तरफ से ढेर सारी, स्वतंत्रता दिवस कह सकते हैं, गणतंत्र दिवस भी कह सकते हैं, और हम इसको महाराष्ट्र महापर्व भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय पर्व भी कह सकते हैं, हार्दिक शुभकामना और बधाई।